दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम निर्मित सिंह नेगी, आप देख रहे हैं मेरे चैनल राइटिंग सन्यासी। शुभम भवतु कल्याणम। तो मित्रों, आज बात करेंगे गढ़वाल के प्रसिद्ध मंदिर डांडा नागरजा की। और बात करें, केवल अगर शब्दों में बात करें तो डांडा जो गढ़वाली शब्द है, और गढ़वाली में भी अगर बात करें सलानी जो डायलेक्ट आता है उसमें, इसका मतलब होता है पीक ऑफ ए माउंटेन, यानी जो किसी भी पर्वत का सबसे ऊंचा स्थान। नागराजा इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे भगवान कृष्ण को नागराज के रूप में पूजा जाता है। तो पौड़ी गढ़वाल में स्थित बहुत ही सुंदर, बहुत ही रमणीय यह मंदिर है। और इसकी पुरातन कहानी वैसे तो हम पुजारी जी के श्रीमुख से भी सुनेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको जानकारी दे दूँ। इसमें बहुत ही एक इंटरेस्टिंग कहानी आती है, और इसी कहानी के पीछे इस मंदिर को इतना प्रसिद्धि मिला और इतने लोग देखने आते हैं। तो कहानी कुछ ऐसे जाती है कि एक गाय है, वो एक पर्वत में जाकर रोज एक शिला पे दूध गिराती है, और एक नाग उसको आके रोज पीता है। तो बहुत ही विचित्र घटना थी, लोगों ने इसका अर्थ समझने की कोशिश की, और उस नाग को कृष्ण का रूप दिया गया, और कृष्ण रोज आके गाय का दूध पीते थे। बात इतनी प्रसिद्ध हुई कि अंत में इसको एक मंदिर रूप दिया गया, और बहुत सारी मान्यताएं जुड़ी हुई हैं, और आगे आप वीडियो में देख सकते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं निर्मित सिंह नेगी, और आज हम हैं उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के प्रसिद्ध मंदिर डांडा नागरजा, और यहाँ के हम मुख्य पुरोहित जी से बात करेंगे कि यहाँ का इतिहास, यहाँ की पौराणिकता, और यहाँ का मंदिर का क्या महत्व है। तो गणेश प्रसाद जी यहाँ के पुजारी हैं, इनसे बात करते हैं। तो पंडित जी, इसका मंदिर का क्या महत्व है यहाँ पे? ये मंदिर पौड़ी गढ़वाल में सिद्ध पीठ है, और कालांतर में लसेरे गांव से एक गाय आती थी, और वो गाय अपने आप ही उस शिला, जो अंदर शिला उपस्थित है उसमें दूध छोड़ देती, तो वो घुमाल जाती, तो विस्थापन हो गया उसका, पता नहीं कहाँ चले गए। लेकिन ये सिद्धपीठ है, और अनेक श्रद्धालु यहाँ पर प्रतिदिन आते हैं, और उसके उदाहरण आप देख ही रहे होंगे कि ये असंख्य घंटे जो लगे हुए हैं, और भगवान जी सबकी मनोकामनाएं यहाँ पे पूर्ण कर रहे हैं। तो जो जो मनोकामना मांगता है वो एक यहाँ पे घंटा टांगता है जी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जो भी चीज आपको देख रहे हैं सब दान दी हुई है, सब लोगों की मनोकामना यहाँ पे पूर्ण होती है। कालांतर जो है ये भगवान श्री कृष्ण की धरती है। भगवान जी जब उत्तराखंड में आए थे तो रेंगते हुए आए थे, तो ये जगह भगवान को बहुत प्यारी लगी, तो इसलिए भगवान ने यहाँ पे अपना जो है ये एक शिला से प्रकट हुई है, तो अंदर एक शिला है। और ये भगवान श्री कृष्ण की जो हमारे उत्तराखंड में जो पूजा जाता है, भगवान को नाग के रूप में ही पूजा जाता है, और भगवान जी जो है यहाँ पे साक्षात विराजमान है, और ये आप असंख्य घंटे जो देख रहे होंगे ये सबकी मनोकामनाएं पूरी हो चुकी हैं। तो भगवान जी, ये जो मंदिर का जीर्णोद्धार आप देख रहे हैं ये 142 साल पहले हुआ था। हमारे दादा की दादी बिछना देवी थी, हमारे दादा की दादी लगभग 142 साल पहले, तो उन्होंने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। बस भगवान जी जो है यहाँ पे विराजमान है, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण कर रहे हैं। वाह,